गोविंद गणेश एंड विजयलक्ष्मी, देवेंद्र देन राहुल ऋषिकेश ऋषभ श्वेता ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो गाइज ऑलरेडी आप सबको एजेंडा मालूम है आप सब इतने रात को यू uh, नो you know, इस स्पेशल सेशन के लिए आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत सारी एडिशनल बातें करने का वक्त तो है नहीं तो सीधे सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और काम की बातें शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइया आप लोग कर्नाटक बैंक के अब अंतिम चरण पे आ गए हैं और आप लोगों का इंटरव्यू कभी भी हो सकता है ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे पहला और फॉरमोस्ट मकसद ये था कि हर बार की तरह हम बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हम हर बैच के लिए लेकर आते हैं इस बार भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया उसके बाद ये लगातार मेरी पंद्रहवीं बैच है मतलब इससे पहले मैं चौदह अलग अलग बैचेस ला चुका हूँ इंटरव्यू की तो कर्नाटक बैंक वाली मेरी फिफ्टींथ बैच होगी और इसमें लगभग लगभग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मुझे एग्जैक्टली exactly आंकड़ा नहीं पता 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और पिछले दो दिन में बहुत पैनिक होते हुए देखा मैंने बच्चे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कुछ सवाल ठीक है जिनका मतलब है कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका वाकई में कोई मतलब नहीं है कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका मतलब है लेकिन अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि एनी हाउ वो बातें जैसे मेल आएगा वैसे क्लियर हो ही जाएंगी सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी बातें उसमें स्पष्ट होने लगेंगी लेकिन होता ये है कि रिजल्ट आने के बाद अचानक से जैसे बच्चों को हर एक चीज जगह पे तुरंत रेडीमेड तैयार चाहिए होती है तो वहां पर यू नो संडे मेगा सेशन होने के वजह से थोड़ा सा मैं कल वक्त नहीं निकाल पाया तो उसके लिए भी एक माफी चाहेंगे बट देन आज तो ये सब चीजों की तैयारी करनी थी उस दौरान ऐसा भी हुआ कि मतलब मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला और उसके बाद फिर किन्हीं कारणों से उसको डिलीट करना पड़ा तो एक और बात यह भी आ गई कि आपको बैच अनाउंस करनी नहीं थी तो आपने मैसेज क्यों डाला तो मैं आपको सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बैच अनाउंस की गई थी और आ बैच, बैच आ चुकी है आप आई प्रथम ऐप पे जाइए आप सबके लिए कर्नाटक बैच कर्नाटक बैंक स्पेशल इंटरव्यू बैच ऑलरेडी आ चुकी है आप चाहें तो वो बैच को रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम ऑफ़ तो आज के इस वीडियो में आपको सारी बेसिक जानकारी अभी मैं दे दूंगा आज के वीडियो का एक एजेंडा आप और समझ लीजिए बैच ज्वाइन करना या ना करना ये आपका अपना निर्णय है ये आप अपनी बुद्धि अपने संयम से विचार करके कर सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके उस कौतूहल को द एक्साइटमेंट विच यू आर हैविंग उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करूंगा और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी यू you नो know, एक प्रॉपर जेनविन हमारे तरफ से गाइडेंस रहेगा कि यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं इफ यू डू नॉट वांट टू एंगेज योर सेल्फ विथ एनी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट्स ओके फाइन तो इन दैट केस आपको क्या कर लेना चाहिए इस इंटरव्यू के लिए मैं उसके ऊपर भी आपको चीजें बता दूंगा ठीक है तो हम बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं हम आज बात करेंगे कि बैच के डिटेल्स क्या हैं और सीधे सीधे हम ये बात करेंगे कि अगर आपको पर्सनली प्रिपेयर करना है तो कर्नाटक बैंक के इंटरव्यू के लिए आपको exactly क्या कर लेना लेना चाहिए किन बातों का ध्यान रख एनी कमेंट्स, तो कमेंट्स एक साथ बाद में ही लूंगा या फिर आप यूट्यूब कमेंट्स थ्रेड में वो डाल देना तो मैं उसके ऊपर आंसर देता ही हूँ ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली आज के पार्ट की सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू आगे और भी ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें यू रियली नीड टू प्रूव योर सेल्फ एंड देखिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कर्नाटक बैंक में ज्वाइन होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं कोई कहता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है कोई कहता है कि आफ्टर ऑल इट्स अ प्राइवेट बैंक एंड ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें मैं आपको एक तरीके से स्पष्ट ये बताना चाहूँगा कि पहले सेलेक्ट हो जाओ मेरा हमेशा से एक थम रूल रहा है कि सारी बातें इधर उधर की इग्नोर करो पहले सेलेक्ट हो जाओ इस वक्त जो सिटी यूनियन बैंक के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी कर्नाटक बैंक में भी सिलेक्टेड हैं ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो सिटी यूनियन बैंक के लिए ऑलरेडी मेरे पास हैं उनका इंटरव्यू भी चल ही रहा है और वो लोग कर्नाटक बैंक के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं कुछ तो ऐसे हैं जो फेडरल के लिए भी थे और कर्नाटक के लिए भी तो इस तरह के तमाम विद्यार्थियों को भी मैं वही बोलना चाहूंगा कि आपको फेडरल में जाना है आपको सिटी यूनियन बैंक में जाना है या आपको कर्नाटक बैंक में जाना है जहां जाना है जाओ जहां नहीं जाना है मत जाओ तो बेसिकली uh, करने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले इसमें सेलेक्ट हो जाइए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हा तो अस स्टार्ट विद एजेंडा राइट सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं क्योंकि यहां पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो संकल्प एजुकेशन के नहीं है सो दे दे माइट नॉट बी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द प्रोग्राम एंड वॉट आई एम कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू टॉक अबाउट सो ऑल दो स्टूडेंट्सोल्यूटली न्यू

ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जैसे सब्जेक्ट्स में डील करता आया हूँ इसके साथ ही साथ अबाउट माय क्वालिफिकेशन आई मस्ट टेल यू दैट आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन सो मैंने मेरा बी मैकेनिकल कंप्लीट किया नागपुर यूनिवर्सिटी से उसके बाद मैंने अपना एम भी किया पुणे के एक कॉलेज से एस नामक एक कॉलेज से जहाँ से मैं मैन्युफेक्चरिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में एम ग्रेजुएट रहा उसके बीच में मैं एक साल मर्चेंट नेवी में भी था और मेरा एम होने के बाद मुझे एक दो जगह से कैंपस प्लेसमेंट का ऑफर भी था जिनमें से एक थी एम टायर्स नाम की एक कंपनी जो कि आपने सुना होगा ढाई साल करीबन करीबन मैंने एम टायर्स में एज अ सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर काम किया और फिर मैंने एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी गुडियर टायर्स जो कि औरंगाबाद में है वहाँ अपना करियर शुरू किया तो लगातार पांच साल का मेरा एक करियर रहा जिसमें मैं यू नो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैरी करता आया लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाने का हमेशा से मुझे शौक रहा इसलिए तकरीबन तकरीबन 2010 के अंत से मैं टीचिंग करियर में अपने आप को आजमा रहा हूं। 2016 से से मैं एक फुल टाइम एजुकेटर एंड मैंने खुद अभी तक लगभग लगभग में पार्टिसिपेट किया है अलग अलग कैंपस प्लेसमेंट्स में अलग अलग फोरम्स में और उतने ही इंटरव्यूज भी मैंने दिए हैं कहने को मैंने दो नौकरियां की हैं और उसके बाद ही अपना बिजनेस शुरू किया है लेकिन मेरे पास कम से कम आठ ऑफर लेटर्स हैं जिसमें मैं ऑलरेडी शॉर्ट रहा हूँ इसीलिए इंटरव्यू जैसी चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि मैं आपकी लगभग लगभग कुछ रीजनेबल मदद कर पाऊँगा ये मेरे बारे में एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के बैचेस का क्या देखिए करीबन करीबन पिछले साल सारस्वत बैंक की बैच जो जून में आई थी वहाँ से हमने ऑनलाइन बैचेस शुरू की थी सारस्वत बैंक सारस्वत बैंक सारस्वत के बाद फिर हमने बी था TJSB, थाने जनता सहकारी बैंक उसके बाद फिर हमने लाया था भगिनी निवेदिता बैंक उसके बाद फिर हमने लाया ए डी सी सी अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैच फिर एन आई ए सी एल का बैच आई बी पी एस पी ओ ग्रेड ए उसके साथ ही साथ एस बी आई पी ओ फिर उसके बाद अभी हमने लाया है फेडरल बैंक का बैच एंड देन बीच में एक बार फिर से भगिनी निवेदिता बैंक का एक और छोटा सा बैच आया था एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सिटी यूनियन बैंक एंड देन फाइनली कर्नाटका बैंक राइट तो इस तरीके से पिछले एक साल से हमारी ये इंटरव्यू बैच की प्रिपरेशन की जर्नी लगातार कामयाबी से चल रही है अगर मैं एक रफ आइडिया दू आपको कि पिछले साल सारस्वत बैंक से लेकर अभी तक जिन लोगों ने संकल्प के थ्रू ट्रेनिंग ली है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और जिन्होंने बैच ज्वाइन की है तो कुल मिला एक आराम से साढ़े तीन सौ से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ईडी आई के बच्चों का है उसमें लगभग लगभग 45-50 से ज्यादा स्टूडेंट सारस्वत बैंक जिसमें लगभग -लग 60 के आसपास स्टूडेंट और आई और एन के स्टूडेंट्स का रहा जिसके वजह से मतलब वी हैव इवन क्रॉस्ड मोर देन 350 फिफ्टी ऑफ अ वेरी गुड स्कोर सो विद दैट कॉन्फिडेंस वी आर वंस अगेन रेडी टू स्टार्ट विद अवर कर्नाटक बैंक बैच ऑल्सो बट देन बिफोर दैट देर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे मैं आपके लिए एक्चुअली मैं एक मोटिवेशन का भी लाया था बट मुझे लगता है कि <laughs> उसकी जरूरत नहीं है आप लोग ऑलरेडी सारे के सारे मोटिवेटेड हैं फुर्सत मिले तो जरूर देख लेना पी में मैं आपको ये थाट दे दूंगा ओके एनी कर्नाटक बैंक का जो आपने नोटिफिकेशन देखा था तो इस नोटिफिकेशन में देखिए क्लियरली यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि देर विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद फिर आपका मैंगलुरु में एक इंटरव्यू होगा जो कि उन्होंने बताया था तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए तो सीधे सीधे मैंगलुरु जाना है ये बात तो बिल्कुल तय है राइट हम्म विल बी कॉल्ड फॉर हेड ऑफिस मैंगलुरु राइट तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए मैंगलुरु आना है देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है राइट right, तो इसमें कुछ नहीं सिर्फ एक ही सिलेक्शन राउंड था जो कि रिटर्न का टेस्ट रिटर्न के टेस्ट के बाद अब सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बेंगलुरु जाना है जिसके लिए आपको एक मेल आएगा अब जब मेल आएगा तब बाकी की सारी डिटेल्स उसमें वो बताएंगे फिलहाल के लिए हम जरा ये समझ लेते हैं कि कर्नाटक बैंक दरअसल क्या है एंड uh, कर्नाटक बैंक विल बी बैंक बेसिकली टू स्टार्ट विथ योर करियर क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लगातार यह डाउट रहा है कि कर्नाटक बैंक हम क्यों ज्वाइन करें कर्नाटक बैंक कैसी रहेगी एन ऑल दैट स्टफ दे गो टू स्टार्ट विथ मैं आपको एक दो चार बातें क्लियरली बता रहा हूं फेडरल बैंक कर्नाटक बैंक साउथ इंडियन बैंक ओके okay. और फिर एक और बैंक सारस्वत बैंक बट नॉट इन द सेंस ऑफ पैकेज ओके यहां पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूं क्योंकि सारस्वत बैंक आमतौर पे उतना पैकेज नहीं देती है जो आ, बाकी ये सारे लोग आपको ऑफर करेंगे लेकिन कल्चर उनका भी बहुत अच्छा है नो डाउट ग्रोथ और एनरिचमेंट क्योंकि मैं लगातार जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे भी मैं बात करता आया हूं तो मुझे एक नाराज होने वाले फ्रस्ट्रेट होने वाले और यू you नो know,

इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंकों के ऊपर भी वही नियम कानून लागू होते हैं जो बाकी सरकारी बैंकों के ऊपर होते हैं और फिर इनके पर्सनल एग्रीमेंट्स भी होते हैं इनके एम्प्लॉय के साथ ओके पर्सनल एग्रीमेंट मतलब जैसे हर पांच साल में इनका जो अपना बैंक का जो यूनियन होगा उसका और मैनेजमेंट का उनके अपने कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होंगे जैसे हर कंपनी में होता है तो वो भी होता है तो वो वाले एग्रीमेंट का अलग बेनिफिट मिलता है और आईबीए के हिसाब से जो इनको चलना पड़ता है उसका अलग बेनिफिट मिलता है तो ओवरऑल उन सब का फायदा मौजूदा को होने लगता है अभी आप देखिए क्लर्क के पोजीशन के लिए आपके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं सैलरी इन्होंने सीटीसी सीटीसी में CTC बोला है वो इन हैंड नहीं सीटीसी सी में फोर्टी थ्री थाउजेंड आपको ऑफर कर रहे हैं जो कि एट पार से तो ज्यादा ही है ना मतलब अगर आप देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क में

कि सर बैंक में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा क्या हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी हमको काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा क्या तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ रीजनेबल प्रेशर आपको रहेगा ही और अगर आपको प्रेशर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ऑब्वियसली आपको बैंकिंग में बहुत कम ऑप्शन ही ऐसे मिलेंगे जो आपको चैन और सुकून से बैठने देंगे प्रेशर एस भी में भी है प्रेशर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है प्रेशर बैंक ऑफ इंडिया में भी है कहाँ नहीं है मतलब एक दो जॉब्स को अगर छोड़ दिया जाए जिसमें नॉन बैंकिंग में खाद अपन वगैरह को ले ले या लेरबी पीओ की कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ले ले कहीं गांव की तो आपको प्रेशर तो हर जगह फेस करना ही है पिछले दो दिन से जो व्हाट्सएप पे आप लोग लगातार चर्चा करते आए हैं उसका एक मुख्य हिस्सा ये रहा कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस बैंक विद सच ए ट्रिमेंडस प्रेशर और नॉट देखिए इस बात को क्लियरली समझिए कि ये इंडिविजुअल्स के लिए मुझे अलग अलग तय करना होगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ मान लेते हैं कि अभिलाष या मनीषा या फिर विनय कुमार राइट अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो पिछले दो तीन अटेम्प्ट सिर्फ 0.5 या 1 मार्क्स से जिसका मेंस का कट ऑफ रह जाता है जिसके पास आने वाले एक दो साल का वक्त और है आराम से वो तैयारी कर सकता है जिसके मतलब जिसकी इंग्लिश मैथ्स जनरल अवेयरनेस रीजनेबली बहुत अच्छा है पेरेंट्स के तरफ से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है राइट और जो एनी हाउ एक बड़ा मकसद रखने की कोशिश करता है कि नहीं जरूरत पड़ी तो आरबीआई भी हम टारगेट करेंगे या एनएसीएल जैसा कुछ टारगेट करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उनके पास वक्त है उनकी बात और है अगर उन्होंने इस तरीके से ये जॉब को अगर डिसरिगार्ड किया कि भाई जाने देते देते हैं हैं इसको छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं तो उनकी बात और है लेकिन अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मैं बोल रहा हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द थिंग्स आर नॉट सो स्मूथ फॉर यू आपको एनी हाउ आने वाले एक दो चार महीने के अंदर ही आपको जॉब की जरूरत है साथ ही साथ आप एक अच्छा सिक्योर्ड फ्यूचर चाहते हैं जहां पर आप आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक या फिर एच बैंक जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं वैसे माहौल में आप नहीं जाना चाहते हैं। राइट और तीसरी बा... तीसरी बात ये कि जहां पर आपको ये पता है कि अगर मान लो एस या आरबीआई या और भी जो दूसरी बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको एक अच्छी खासी डिटेल तैयारी लगेगी आपको एक बड़ी मेहनत लगने वाली है तो इन दैट केस कर्नाटक बैंक की ऑपरचुनिटी आप प्लीज अपने हाथ से मत गवाइए मैं दो बातें एकदम स्पष्ट बता रहा हूं इससे ज्यादा अगर आप और डिटेल में चाहते हैं तो मैं सच में रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आप पर्सनल काउंसिलिंग के लिए आइए और मुझसे बात कर लीजिए ऑफलाइन में भी और अगर आप शहर के बाहर हैं तो आप जूम मीटिंग के लिए मुझसे एक मीटिंग आईडी ले ले और उसमें मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग कर दूंगा आपकी प्रोफाइल देख के आपको बता दूंगा कि आपको ये ऑप्शन के लिए जाना चाहिए या नहीं लेकिन ब्रॉडली अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यदि आपके पास आने वाला पूरा एक साल और है तैयारी करने के लिए पेरेंट्स के तरफ से कोई दबाव नहीं है नौकरी का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है राइट एकदम स्टार्टिंग एज में है आप अभी और किसी तरीके से आप अभी आने वाले दिन में आरबीआई एस बी जैसी एक लॉन्ग रन तैयारी करना चाहते हैं आपका इंग्लिश मैथ्स जीए वगैरह रीजनेबली काफी अच्छा है एक तीन साढ़े तीन की रेटिंग है आउट ऑफ फाइव तो इन दैट केस आप विचार कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो आपके पास है कर्नाटक बैंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी

इंटरव्यू इंटरव्यू तक इतने परेशान रहेंगे कि आपको भी सीरियसली नहीं देंगे, ठीक है ये जनरली मेरे अनुभव रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत अभी इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं सिटी यूनियन बैंक में सिटी यूनियन बैंक में अभी दो तीन बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने एक मॉक इंटरव्यू दिया दूसरा दिया ही नहीं मैंने जब फॉलो अप लिया मैंने फोन किया मैंने बोला क्यों नहीं आए आप सेकंड मॉक इंटरव्यू के लिए तो उनका बोलना ये है कि सर वैसे भी ये बैंक बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर है यहाँ पर हमें नहीं लगता कि हम यहाँ काम करेंगे सारी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास है अब उस बैंक में हो सकता है बहुत प्रेशर हो हो सकता है वो बैंक का कल्चर ठीक हो या ना हो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सेलेक्ट हो जाए सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको किसी ने हाथ पकड़ के घसीट के वहां बिठाया नहीं है कि कल से आप ज्वाइन हो जाओ तो मैं आप सब लोगों को जितने भी लोग अभी इस समय ऑलरेडी टॉप चैट्स में हैं सबको मैं इतना ही बोलूंगा कि पहले आप सेलेक्ट हो जाइए वंस यू गॉट सेलेक्टेड उसके बाद फिर आप तय कर सकते हैं कि आपको इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है सो प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस एस्पेक्ट अब आ जाते हैं कर्नाटक बैंक लिमिटेड के बारे में दो चार इंफॉर्मेशन जरा ले, ले लेते हैं इट इज एन ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑब्वियसली इट इज एन ए क्लास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देखो क्लियरली लिखा हुआ है ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है अनिकेत मेशराम को शायद रात को नींद नहीं आएगी अगर उनको ये ना बता दिया मैंने कि 43 में से इनहैंड कितना आएगा मतलब सारा लेक्चर गया तेल लेने सबसे पहले ये बता दो आप कि में से कट पीट के मेरे हाथ में कितने आएंगे ताकि मैं डिसाइड कर लूँ कि आगे आपका प्रवचन सुनना है कि नहीं सुनना है भाई मेरे 43 में से मुझे लगता है मुझे पर्सनली लगता है कि गिरी से गिरी हालत में पैतीस से अड़तीस हजार रुपए तो आपके हाथ में आने ही चाहिए अनिकेत साहब ठीक है अब आप आराम से पानी पी लीजिए और अगर इतना ही सुनना था तो मैंने आपको बता दिया है पैंतीस से अड़तीस का आंकड़ा अब आप चैन से सो भी सकते हैं जा भी सकते हैं ठीक है बाकी लोग जरा ध्यान दीजिए हाँ अनिकेत का बीपी शांत हो जाए तो हम आगे देख लें अब हाँ इट इज एन ए क्लास शेड्यूल कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब आपको पता ही है ये चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकते है याद रखना मैं खुद कई बार पूछता हूं और बच्चे लिटरली ऐसे ऐसे अजीबो गरीब you know इस प्लानिट के बाहर के जवाब देते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाता है आदमी वाह 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 यानी मेरे मुंह से निकलता है वो मीम कहां से आते हैं ये लोग वो जो एक अर्शद वारसी का डायलॉग नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग मेरे मुंह से भी वही डायलॉग निकलता है मन ही मन की यार ये ऐसे आंसर देते कैसे हैं लोग ठीक है तो प्लीज याद रखना पहले तो ये जान लेना कि शेड्यूल कमर्शियल मतलब क्या होता है शेड्यूल मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर दो में आने वाला बैंक और कमर्शियल वर्ड वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है वो एक प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है वो वेलफेयर करने के लिए नहीं बैठा है इसलिए वो कर्नाटक इंडिया कर्नाटक बैंक लिमिटेड हैज अ नेटवर्क ऑफ आठ सो नब्बे ब्रांचेस काफी बड़ा नेटवर्क है यार आठ सौ नब्बे ब्रांचेस कोई कम नहीं है करीबन करीबन हजार ब्रांचेस ही समझ लो वन एक्सटेंशन काउंटर एक्सटेंशन काउंटर मतलब समझते हो ना जहां पर कर्नाटक बैंक से रिलेटेड सारी चीजें उस काउंटर पे भी हो जाती है जैसे रेलवे का होता है एक एक रिजर्वेशन का आधा एक्सटेंशन काउंटर तो वो बना के रखा होगा वो उन्होंने बैंगलोर वगैरह में बनाया होगा शायद 885 हंड्रेड एटी इतने ज्यादा नहीं है ये आने वाले दिन में वो बढ़ाना चाहेंगे लेकिन ए कम रहना बैंक की कमजोरी को दर्शाता नहीं है बैंक के मैनेजमेंट को ही दर्शाता है यानी <coughs> यानी ये चीज़ बहुत जरूरी है कि 885 एटी फाइव अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चे मुझे अभी कल परसों में पूछ रहे थे इतने कम ए इतने कम ब्रांचेस बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है यार पता नहीं मतलब ये विचार आते कहाँ से तुम लोगों के दिमाग में मतलब कोई ब्रांच कोई बैंक अगर मान लो लिमिटेड एक्सपानशन करना चाहती है तो तुम उसकी बैलेंस शीट तक चले जाओगे और तुम तुरंत ये डिसाइड कर लोगे कि ऑब्वियसली यार ये बैंक में कोई खासा दम नहीं है दैट्स नॉट अ गुड आइडिया ऐसा नहीं है राइट right. कोई आदमी 500 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए कमाए और कोई आदमी 200 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए कमाए इसका मतलब दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है कोई कमजोर है और कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ऐसा नहीं है उनकी अपनी स्ट्रेटजी है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको काउंट ना करें लिमिटेड ऑपरेशंस का मतलब ज्यादा फायदा भी होता है लिमिटेड ऑपरेशंस का मतलब ज्यादा ऑन रिकॉर्ड उनके पास उनके बैलेंस शीट में उनके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है ये भी मतलब है उसका 563 कैश रिसाइकलर्स हैं उसके बाद 4 546 ई लॉबीज हैं मिनी ई लॉबीज हैं और अक्रॉस 22 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में है बाविस राज्यों में ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहे हैं बैंक है मतलब मुझे लगता पूर्वोत्तर वाले पार्ट को छोड़ के, बाकी पूरे इंडिया में तो कर्नाटक बैंक है ही इट हैज हजार और मिलियन कस्टमर आई मीन यू नो बिग मार्केट विच हैविंग एंड आप जैसे नौजवानों को रिक्रूट करके ये 1.1 करोड़ का 2.1 करोड़ करना चाहते हैं और क्या और किस लिए बुला रहे हैं आपको है सारे के सारे के इसका मतलब लिस्टेड नहीं है पब्लिक में नहीं डाले गए हैं शेयर्स ये मतलब है तो इसका मतलब सारा प्रॉफिट कंसोलिडेटेड है बैंक अपने एक्सपांशन के बारे में कभी भी विचार कर सकती है टैग लाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया आपका एक फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया राइट तो लार्जली ये एक बेसिक जानकारी है बैंक के बारे में कभी किसी ने पूछ लिया आपको कि कर्नाटक बैंक क्या है कर्नाटक बैंक के बारे में आप क्या जानते हो तो आप लोगों को इतनी बातें बतानी पड़ेंगी ठीक है तो ये जरा याद कर लेना ये मैं वैसे भी पीपीटी में आपको दे दूंगा सॉरी पीडीएफ में अब कुछ और बेसिक जानकारी आपको इसमें बता देता हूं फटाफट कर्नाटक बैंक वॉज मतलब आजादी का आंदोलन चल चल रहा था, स्वदेशी चल रहा था था स्वदेशी मूवमेंट उस समय भारत में अलग अलग जगह बहुत सारे बैंक ब्रांच बन रहे थे बैंक्स बन रहे थे इसको समझ लीजिए आप महात्मा गांधी अपने स्वदेशी बॉयकॉट को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो उस समय ब्रिटिशों की सारी बैंकों का हम बहिष्कार करते थे बॉयकॉट करते थे तो हमने अपने बहुत सारे बैंक बनाए थे तो उस जमाने में बैंक ऑफ इंडिया उस जमाने में पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ओके फिर उसके बाद न्यू न्यू बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद यूनियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सब उस समय बने थे तो साउथ में ये भी एक बैंक बना था तो ये अच्छा खासा पुराना है इट्स फाउंडर इस्टेब्लिश एट मैंगलोर इट एट मैंगलोर कोस्टल टाउन इन द दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक ओके बड़ा ही खूबसूरत शहर है Among the 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 founders who created the bank to serve the South Canera region was B. R. वॉज बी Okay, ये है basically कर्नाटक बैंक के फाउंडर उस जमाने के ओके okay, ये नाम याद रख लेना थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड है बी आर वसरय अचर ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए तो होगा चेयरमैन 1979 इनका भी नाम कहीं काम आ जाए इन दाइनटीन सिक्सटी कर्नाटक बैंक लिमिटेड अक्वायर थ्री स्मॉलर बैंक 1960 सौ साठ आते आते अपना बिजनेस एक्सपांशन किया और तीन और बैंकों को इन्होंने अक्वायर कर लिया मर्ज कर लिया 1960 में ही कर्नाटक बैंक लिमिटेड अक्वायर द श्रृंगेरी शारदा बैंक व्हिच वाज एस्टैब्लिश इन 1942 एंड हैड फोर ब्रांचेस तो एक आदि और वहां की जो लोकल बैंक थी श्रृंगेरी शारदा बैंक उसको अक्वायर किया जिनके चार ब्रांचेस थे अपने एक्सपांशन के लिए चार साल के बाद फोर इयर्स लेटर कर्नाटक बैंक लिमिटेड टूक ओवर एस चित्रदुर्गा बैंक ऑल्सो नोन एज चितला दुर्ग बैंक व्हिच वाज एस्टैब्लिश इन 1868 इन मैसूर एंड वाज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ मैसूर मैसूर की सबसे ओल्डेस्ट बैंक चित्रदुर्गा बैंक इसको भी इन्होंने अक्वायर कर लिया चार साल बाद यानी 1964 की बात है ये ये हुआ था 1960 में ये 1964 में 1966 में कर्नाटक बैंक लिमिटेड टू टेक ओवर अह बैंक ऑफ कर्नाटक ओके बैंक ऑफ कर्नाटक वाज एस्टैब्लिशड इन 1946 दोनों अलग अलग है कर्नाटक बैंक अलग थी और बैंक ऑफ कर्नाटक अलग थी तो बैंक ऑफ कर्नाटक जो है उसको टेक ओवर कर लिया कर्नाटक बैंक ने और बैंक ऑफ कर्नाटक 1946 में ओपन हुई थी और बेलगांव में उसका पहला ब्रांच बना था 1947 में और फिर बैंक ऑफ कर्नाटक को जब एक्विशेशन हुआ उस समय उसके तेरह ब्रांचेस थे तो ये सब भी कर्नाटक बैंक में चला गया सितंबर 2003 आते आते द बैंक शिफ्टेड इट्स हेड ऑपरेशन ऑफिस टू

आपने बैच में एडमिशन लिया चाहे ना लिया मुझे फर्क नहीं पड़ता आप डायरेक्टली इस चीज के लिए काउंसिलिंग के लिए आ भी सकते हैं या मीटिंग पे भी आईडी ले सकते हैं और इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं राइट सो so, प्लीज प्लीज उसको लेकर अभी परेशान मत होइए अभी सिर्फ आप इतना वादा करिए आप पहले सेलेक्ट हो जाइए इसमें सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इस सब चीजों के ऊपर विस्तृत तरीके से चर्चा कर सकते हैं और हर किसी के प्रोफाइल के हिसाब से उसमें अलग अलग निर्णय हम ले सकते हैं अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए 98 इयर्स ओल्ड बैंक है दो साल के अंदर अंदर अपनी सौवी वर्षगांठ वो मनाएगा हो सकता है कि आप उस समय रहें तो आपको उस दिन बढ़िया मिठाई का एक डब्बा भी मिलेगा और साथ में कुछ बोनस वोनस बड़ा कुछ डिक्लेयर कर दें तो अभी जाओगे तो दो साल बाद फायदे में रहोगे उसके बाद हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटक ओके नाम याद रखना ये फिलहाल प्रदीप कुमार जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उसके अलावा महाबलेश्वरा एम एस ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है फिलहाल ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है कौन महाबलेश्वरा एम एस right? राइट बैंक क्या क्या काम करती है तलाम प्रोडक्ट्स मैं अक्सर इंटरव्यू में पूछता हूँ प्रोडक्ट्स ऑफ सिटी यूनियन बैंक व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फेडरल बैंक बच्चे इस चीज को लेकर इतने ज्यादा यू नो अन अवेयर्ड है या फिर ये शब्द इतना ज्यादा उनके सर के ऊपर से बाउंस होता है तो प्लीज आज लाइव लेक्चर में जरा समय

होलसेल okay, तो बैंकिंग भी देते हैं मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कर लेते हैं तो यदि कोई कारपोरेट बैंकिंग हो गए जैसे मान लो की एक आदि कंपनी का नाम ले लो जैसे टीसीएस ठीक है अब टी सी एस चाहती है की टीसीएस के सारे कर्मचारियों का पगार जो है वो कर्नाटक बैंक में आए तो जो भी कर्नाटक बैंक आई मीन जो टी सी एस ज्वाइन करेगा उसका पहले वो कर्नाटक बैंक में अकाउंट खोल लेंगे और सारी सैलरी जो है वो कर्नाटक बैंक के थ्रू उनके अकाउंट में जाएगी एक प्रकार से कॉरपोरेट बैंकिंग होती है जैसे मैं अभी जब गुडियर में था तब हमारा अकाउंट आईसीआईसीआई में ओपन किया गया था जब मैं एमआरएफ में था तो उनका टाई अप एच डी एफ सी के साथ था तो वैसे ही इस तरह के सिंपल अकाउंट हाँ आपके जो सैलरी अकाउंट बोलते हैं वो ओपन कर लिए जाते हैं ट्रेजरी ऑपरेशन अलग अलग प्रकार के ट्रेजरी ऑपरेशन ये लोग करते हैं ट्रेजरी का मतलब पैसा या पैसा जहाँ रखा जाता है वो तो ट्रेजरी ऑपरेशन दे डू दैट ओके देन क्रेडिट कार्ड ये भी देते हैं एंड बैंक अश्योरेंस बैंक अश्योरेंस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ल्ड बैंक प्लस इंश्योरेंस तो आप बैंक और उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी वहाँ पर मिल जाएगा तो वो कैसे मिलेगा जरूर इंश्योरेंस की कोई कंपनी के साथ इनका टाईप होगा ओके okay. इंश्योरेंस के किसी ना किसी कंपनी के साथ इनका अप होगा तो यदि मान लो आप उस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं नहीं कल आपको भी करना है क्योंकि क्रॉस सेलिंगल तो लेवल पे करनी पड़ती है सात करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा है ये दो का हम बता रहे हैं आठ मिलियन

टोटल एसेट है बयानबे हजार चालीस करोड़ रुपए के साढ़े सात परसेंट का इसमें उछाल आया है अब ये जो एसेट होते हैं इसमें सब कुछ होता है बैंक के ब्रांचेस बैंक की प्रॉपर्टीज बैंक के पास आज के डेट में जितने भी जो घर होम लोन लिए होंगे जो लोगों ने वापस नहीं किए तो वो घर बैंक के नाम होता है तो कुल मिला के एक लाख करोड़ रुपए के आसपास तो बैंक के पास एसेट्स हैं तो ये अपने आप अप में काफी बड़े एसेट्स हैं ओके नेट इनकम जो है वो उस हिसाब से रीजनेबल है बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है तो पाँच करोड़ रुपए का नेट इनकम है नेट इनकम मतलब सब प्रॉफिट वॉफिट सब हटा के आई सॉरी टैक्स वैक्स सब हटा के जो डायरेक्टली इनका शुद्ध प्रॉफिट है तो वो आ रहा है राइट सो दीज आर दिंग्स सो ओवरऑल ये सब बातें जरा याद रखिएगा ये आपको शायद इंटरव्यू में काम आ जाएंगे ओके okay? इसके बाद अभी बहुत देर से बच्चे लगातार ये पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे देखो अभी ओवरऑल तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आपको अभी इंटरव्यू के लिए डेट्स आएंगी उसके लिए एक मेल आएगा तो उसमें तो वो लोग आपको क्लियरली बताएंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ठीक है बेहराल मैं आप लोगों को कुछ एक दो बातें जरा बता देता हूं तौर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है तो जिसके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हो ये रेडी रखो ये नहीं कि मेल आएगा उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे फिर उसके बाद किसी का फोन आता है अरे सर इन लोगों ने तो बोला है कि दसवीं की टीसी भी चाहिए है इनको तो मेरी तो टीसी खो गई है या फिर वो वहाँ रखी हुई है गांव में और मैं यहाँ हूँ संभाजी नगर में अभी गांव जाके आने का तो मेरे पास टाइम नहीं है भैया ये सब सर्कस है ना मैं पागल हो चुका हूँ अब ये सब चीज़ें सुन सुन के आप जहाँ पर हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं और क्या कर रहे हैं वहाँ अंडे देने के लिए रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए पूरे के पूरे जब तक आपको नौकरी नहीं लग जाती आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूमे आपके पास आपकी फाइल आपके पास आपके बाकी के सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास होना चाहिए ये सब चीजों में आप इतने यू नो नादानी बिल्कुल ना करें सो so, <coughs> इन बातों को लेकर प्लीज बहुत बहुत, बहुत श्योर रहें नौकरी आपको कर्नाटक बैंक में करनी है चाहे कहीं और करनी है रिजर्व बैंक में करनी है ये बात आप किस हद तक एक्सपेक्ट करते हैं आप मेरी जगह होते तो आप क्या एडवाइस करते बताओ कल को आपका भाई अगर अप्लाई करेगा छोटा भाई आप उसको यही बोलेंगे डॉक्यूमेंट पूरे 25 जगह बिखरे पड़े हुए डजेंट मैटर अब आप बोलेंगे सर हमारे साथ ऐसा नहीं है मुझसे पूछो ये चीज कई बार हम रेगुलरली यही यही अवेयरनेस फैलाते रहते हैं दसवीं की मार्कशीट अपने पास रखिए बारहवीं की मार्कशीट अपने पास रखिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट सीरियल ऑर्डर में अपने पास रखिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट्स अपने पास रखिए कंप्यूटर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होंगे तो वो कल्चरल और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होंगे तो वो हाँ लेकिन एकदम बचपन के अभी कोई ये बोल के आएगा कि मैंने गणपति के एक उत्सव में मैंने डांस किया था क्लास फाइव में हाँ तो पहला अर्थ नहीं आ वो सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि पाँचवीं क्लास के बच्चे में और अभी में बहुत फर्क आ गया है तो अभी का जो कुछ है लेटेस्ट आपके पास वो सब चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा रखिए चाहे तो अपने पास एक अच्छा सा रेज्यूमे भी रखिए ठीक है थीके? उसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम कम से कम आधा दर्जन पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए कितने आधा दर्जन ओके उसके साथ उसके साथ साथ आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए अब बार बार यही बातें मत पूछना कि आईडी प्रूफ में क्या लेके जाऊं आईडी प्रूफ में दुनिया में वही चीजें हैं जो आप जानते हैं वही चीजें हैं जो मैं जानता हूं तो भाई साहब आई प्रूफ में सब आता है देखिए एक होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अक्सर हमें लगती है बर्थ सर्टिफिकेट पिछले सात दिन का जो ड्रामा है काश में आप लोगों को जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है कैन यू बिलीव दिस और यह सच है ये सच है हो सकता है उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस समय ऑलरेडी चैट कमेंट में भी हैं राइट बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है यानी पैदा होने का ही कोई प्रमाण नहीं है चलो ठीक है नहीं है पिछले तेवीस सालों में कभी याद भी नहीं आया क्यों क्योंकि कभी नौबत ही नहीं पड़ी तो अगर आगे नौबत नहीं पड़ी तो कभी 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 करेंगे भी नहीं तो इस, इस यू नो भ्रम में मत रहिए आज नहीं कल आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा तो वो रेडी रखिए उसका आज नहीं कल काम पड़ सकता है फिर बाद में बच्चे पूछते हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है दसवीं का सर्टिफिकेट तो है कभी कभी तो ये पूछते हैं मुझ मेरे ही ऊपर हंसते हैं और मुझे बोलते हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट का है सर मानुस जीवंता है दिसन रहा ना बैंक मानुस तो जीवंता है ना मग बर्थ सर्टिफिकेट का मांगा लगते भाई साहब मतलब अभी मैं उसके ऊपर अगर ज्ञान देते बैठा कि तुम जिंदा हो हाड़ मास का शरीर दिख रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है अगर उस लॉजिक पे जाएं तो मुझे चार घंटे और लगेंगे कन्विंस करने के लिए तो इस तरह की कोई भी स्टूपिड चीजों पे अभी फिलहाल मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा चुपचाप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आकाश पाताल कहाँ से निकाल के लाना है अपने पास रखिए राइट अब अगर उसको बहुत ज्यादा लंबा समय लगने वाला है कि मान लो अब लग जाएगा महीना भर लग जाएगा हमारे पास नहीं है तो ठीक है फिर इन दैट केस आप अपना दूसरा कुछ अरेंजमेंट इसमें से कर सकते हैं बैंक को बता सकते हैं बट बाय एनी ओके आप लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं तो आई प्रूफ है पैन कार्ड है पैन कार्ड अपने पास रखिए एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी टेंथ ट्वेल्थ राइट ये रखिए अपने पास टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ठीक है मार्कशीट्स के साथ अब ये मत बोलना कि मेरे पास सर सर्टिफिकेट तो है ही नहीं कहाँ है सर्टिफिकेट वो है यूनिवर्सिटी में और तुम कहाँ हो मैं तो कभी गया ही नहीं सर यूनिवर्सिटी तो वहां से वो पूरा निकाल के लाना है साष्टांग प्रणाम मतलब आपकी डिग्री वहां पड़ी हुई है आपने कभी निकाल के लाई ही नहीं कुछ कुछ लोग इस लेवल पे इसको मेंटेन करते हैं उनकी मार्कशीट के ऊपर है ना वो क्या बोलते हैं मराठी में तेल सांडून जाते हैं भाजी तो तेल सांडून जाते हैं पूरी मार्कशीट की ऐसी की तैसी है राइट ये ये सब झंझट मत रखना प्लीज ये सब आपको बाद में प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लगेगा तो टी अपनी अपने पास रखिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है ओके या टेंथ का मार्कशीट टेंथ 10th मार्कशीट के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में काम आ जाएगा उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 अब उन्होंने दो मांगे या चार मांगे मैं आपको बोल रहा हूं 6 रख लेना बस आधा दर्जन फोटो अपने पास रखना क्लियरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको कॉलेज से मिला हुआ है तो वो आप रखिए अपने साथ ओके okay? उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियरली बता रहा हूं सेंट्रल वाला बार 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 एक ही सवाल मत पूछना सर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा क्या सेंट्रल वाला मेरा वैलिड नहीं है वो मैंने बनाने के लिए डाला है और वो जब तक आएगा तब तक फिर बैठते हैं आराम से अगर नहीं है तो स्टेट वाला रखो ओके इफ नॉट अवेलेबल देन कीप इट ऑफ स्टेट बट अगर है तो सेंट्रल वाले का ही प्रावधान पहले है वो लगेगा ठीक है उसके बाद पीडब्ल्यू उस कैटेगरी में आते हैं एक्स सर्विसमैन वाला एक पार्ट रहता है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट अगर वो मांगते हैं तो अगर वो मांगते हैं तो क्लरिकल जॉब के लिए इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर थे लागू शक्त

आप अपना एक एनओसी तैयार कर लो एक तो रिलीविंग, रिलीविंग लेटर आपको मिलेगा एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको बना के देंगे ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर रिपीट हो चुका है ये ऑलरेडी पॉइंट यहाँ कवर किया है मैंने तो ये सारी चीजें आप अपने पास अभी से एडवांस में कम से कम आप इसका कलेक्शन शुरू कर दे अभी से अब आप बोलेंगे सर काय काय लागना रहे ते तुम्हें क्लियर सांगा ते मल ही नहीं माई थी वो आप लोगों को वो मेल में बताएंगे बट बत मेरा अंदाजा है कि इससे ज्यादा और क्या ही मांग लेंगे तो ये सब चीजें आप अपने पास प्लीज रखिए आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या लाइसेंस ठीक है ये दो चीजें तो लगेंगी तो ये दोनों भी आप अपने साथ रखिए हाँ प्रणाली पूछ रही है फ्रेशर के लिए नहीं लगेगा ना मैडम फ्रेशर के लिए क्यों लगेगा फ्रेशर के लिए रिलीविंग सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा फ्रेशर कहाँ से लाएगा रिलीविंग सर्टिफिकेट हाँ तो फिर ये एक बात है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है बट डिग्री में सब्जेक्ट था सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जैसे एन वगैरह है या फिर अगर आपने किसी एक मल्टीमीडिया हाउस से अगर कहीं से आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपने लिए किया है कोई प्राइवेट कोर्स किया है तो वो सर्टिफिकेट ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है राइट हुँ. तो ये याद रखिएगा ये भी मैं आपको अभी पीडीएफ में पूरा का पूरा दे दूंगा अब आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ दी बैच देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बैच जो है ये बैच शुरू होने जा रही है तीन अगस्त से थर्ड ऑफ अगस्त से इसका लेक्चर रात को नौ बजे ही होगा ये मैंने अपने मन से नहीं तय किया है ये मैंने आपके वजह से ही तय किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं तो उन्होंने बोला कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग रखो जो कि पॉसिबल नहीं है तो आप फिर शाम को रखो तो फिर हमने ये नौ बजे का टाइमिंग रखा है परसों से ये बैच शुरू हो जाएगी आप आज या कल अपने एडमिशन्स पूरे कन्फर्म कर सकते हैं और परसों भी आपके पास रात को नौ बजे तक का टाइम है क्या क्या रहेगा इसमें सेशन रहेंगे मॉक इंटरव्यूज रहेंगे और फ्री पी रहेगी ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी ठीक है यहाँ पर आपको दो लोगों के तस्वीर दिख रही होगी एक तो मैं ही हूं और मेरे साथ है यहाँ पर एक पूर्वा गोयल मैडम जो इंटरव्यू के लिए हमारे साथ हर बैच में रहती है ये SBI PO, SBI PO है और ये ऑलरेडी स्केल टू ऑफिसर हैं तो इंटरव्यू का एक काफी तजुर्बा है इन्हें तो ये अपना एक अलग अनुभव लेकर आती है इस फील्ड में तो शी कैन हेल्प यू आउट विद डेट अविनाश पूछ रहे हैं इंटरव्यू की डेट टेंटेटिवली मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी डेट बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि एक समझ लो एक uh, सारे लोगों के एक मैक्सिमम कॉल 10 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले उस रेंज में आने शुरू हो जाएंगे राइट तो इसीलिए इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होना कि आराम से होने वाले नहीं और किसी दूसरे एग्जाम के साथ क्लैश वैश भी हो सकते हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो दैट नॉट मेक एनी डिफरेंस टू देम राइट तो इसीलिए 10 तारीख के बाद आपके इंटरव्यू के कॉल्स आ सकते हैं या उस समय की डेट्स आपकी हो सकती है अब क्योंकि हर किसी को मैंगलुरु जाना है तो जरा मैंगलुरु जाने के लिए क्या साधन चुने जा सकते हैं मैंगलुरु जाने के लिए आपको एक जल्द से जल्द उपाय करना पड़ेगा तो कैसे जाना पड़ेगा अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका क्या इंतजाम है इन सब के ऊपर कम से कम आप सोचना शुरू करो ये नहीं कि इंटरव्यू की डेट आ गई और उसके बाद फिर हम सोच रहे कि अब जाना कैसे है अभी कम से कम देख लो आप क्या आप जहां भी रहते हैं वहां से रेगुलरली गाड़ियाँ कौन कौन से दिन है कनेक्टिविटी कैसी है बस से जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा पहले बेंगलोर जाते हुए बेंगलुरु जाना पड़ेगा तो कितना वक्त लगेगा सारी चीजें एटलीस्ट एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखिए और आप चाहें तो मैंगलुरु में एक दिन का फिर पर्यटन भी कर सकते क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है आप एक दिन वहां पर आराम से घूम फिर आइए राइट तो खैर अब आ जाते हैं दोबारा से अपने बैच के डिटेल्स के ऊपर राइट हाँ अभी देखिए सबसे पहली चीज सेशंस जो होंगे आपके सेशंस होंगे चार से छह सेशंस ठीक है फोर टू सिक्स सेशंस होंगे किस चीज के सेशंस होंगे एचआर के सेशंस होंगे प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस होंगे प्लस जनरल अवेयरनेस के सेशन होंगे एचआर के सेशन में आपको व्हाई यू शुड सेलेक्ट कर्नाटक बैंक से लेकर इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो ग्रेजुएशन आपने किस में किया ग्रेजुएशन आपने जिस फील्ड में किया उसका क्या काम पड़ता है कर्नाटक बैंक में आपकी हॉबीज आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस फिर उसके बाद डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस जैसे जितने तमाम सवाल आते हैं उन सब का आपको एक प्रॉपर आंसर हम देंगे और साथ ही साथ जब मॉक इंटरव्यूज होंगे तब आपको हम हम आंसर आंसर भी देंगे हम बना के देते हैं क्योंकि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है उसका कर्नाटक बैंक में जाने का कोई अलग रीजन हो सकता है कोई बीएससी वाला है कोई बीकॉम तो इन दैट केस वी रियली नीड टू फाइंड आउट कस्टमाइज आंसर हर किसी के लिए एक जैसा आंसर नहीं होता बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस बेसिक्स ऑफ बैंकिंग उसका सेशन तो होगा हो ही होगा आपका और जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि एस बी आई पी ओ से एन आई ए सी एल से आई बी पी एस पी ओ में इनफैक्ट सिडबी में तमाम एग्जाम्स में भर भर के इंटरव्यू में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा गया है उसके बाद फिर यूएनओ के बारे में पूछा गया है फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ नॉट कॉमनवेल्थ गेम्स बट टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं नीरज चोपड़ा के बारे में सवाल पूछे गए हैं कौन-कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है इस तरह के सवाल पूछे गए हैं राइट सो so ऑब्वियसली कौन से स्टेट में अभी आने वाले दिन में चुनाव होने वाले हैं ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं तो लगातार जीके के क्वेश्चंस रहे हैं जीके के क्वेश्चन नहीं रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आम तौर पे आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए ये लोग अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं तो जीके की हो सके तो एक बढ़िया शार्प दो महीने की एक बढ़िया रिवीजन हम कर लेंगे सो दैट वी विल बी हैविंग अ परफेक्ट आइडिया तो चार से छह सेशन रहेंगे ये जो सेशन रहेंगे ये ऑनलाइन ही होंगे ऑनलाइन ओनली दैट इज ऑन द एप ये आए प्रथम ऐप पर ही होंगे ये सेशन ऑफलाइन नहीं होंगे औरंगाबाद के बच्चों के लिए भी औरंगाबाद के बाहर के भी बच्चों के जो भी पूरे भारत वर्ष से इस बैच को ज्वाइन करेगा ये सारे सेशन उसको ऑनलाइन ही मिलेंगे उसके साथ साथ हम और क्या देने वाले हैं आपको मॉक्स देने वाले हैं ठीक है तो मॉक्स कितने मिलेंगे टू मॉक्स दिए जाएंगे आपको ओके वन फैकल्टी वन मॉक वन फैकल्टी वन मॉक ये आपको दिया जाएगा तो एक फैकल्टी आपका एक मॉक लेगा फिर आप कुछ दिन के बाद दूसरा दूसरे फैकल्टी से अपना अगला मॉक ले सकते हैं ये जो होंगे, ये जो इंटरव्यूज़ होंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे फॉर आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मतलब कौन से आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स ऑफ औरंगाबाद ओके एंड ऑफलाइन लिए जाएंगे फॉर ओके okay, जो लोकल लोकलाइट्स हैं उनके लिए ओके तो लोकलाइट्स के लिए ये ऑफलाइन भी किए जाएंगे अपने नूतन कॉलोनी वाले ऑफिस में ठीक है तो ये मॉक इंटरव्यूज कब से शुरू होंगे मॉक इंटरव्यूज देखो मैं टेंटेटिवली बता देता हूं तीन तारीख से बैच आएगी तो तीन तारीख से आपके ये सेशन शुरू हो जाएंगे तो तीन चार पाँच तीन सेशन के बाद हम ये शुरू कर देंगे सिक्स ऑफ ऑगस्ट ऑनवर्ड्स ओके सिक्स या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सेवेंथ ठीक है वहां से आपके मॉक इंटरव्यूज हम शुरू कर देंगे दो तीन दिन पहले पढ़ तो ले उसके बाद फिर आपके मॉक इंटरव्यूज हम शुरू कर देंगे ठीक है यदि इस दौरान मान लो मेल आ गया गलती से भी अगर बीच में ही मेल आ गया और उन्होंने डेट बहुत पास की रखी ओके तो फिर ये डेट को मैं और आगे सरका के चार या पांच तारीख से ही आपके मॉक्स शुरू करूंगा ठीक है तो छह तारीख से हमारे मॉक शुरू हो जाएंगे अब मॉक शुरू हो जाने के बाद मैं क्लियरली बता रहा हूं ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको डेट अभी तक मिली ही नहीं है मेल नहीं आया है तब भी आप कम से कम एक मॉक अपना करके रख लेना क्योंकि एन वक्त पे बहुत ज्यादा रश भी हो जाता है बहुत ज्यादा हड़बड़ी भी हो जाती है ठीक से फीडबैक भी नहीं मिलते हैं ठीक से तैयारी भी नहीं हो पाती अभी फिलहाल सिटी यूनियन बैंक के बैच में वही हो रहा है एग्जैक्टली वही हो रहा है बच्चे बिल्कुल केयरलेसली ले रहे हैं क्योंकि डेट आई नहीं है तो उनको लग रहा है कि जब डेट आएगी तब कराएंगे ठीक है डेट आएगी तब आप एक मॉक रखो लेकिन एक मॉक आप पहले से करके रख लो इससे क्या होगा आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं आपका फ्लो कैसा है आपकी इंग्लिश कैसी है जनरली आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए ये प्रॉपर फीडबैक आपको मिल जाएगा वो फीडबैक के ऊपर आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी तो जब मेल आएगा उसके बाद आप सेकेंड मॉक के हिसाब से आप अपनी सेकंड तैयारी करके परफेक्टली आप अपने लेक्चर के लिए जा सकते हैं ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिए तो इस बात की बिल्कुल ज्यादा फिकर मत करना और बहुत ज्यादा इंतजार मत करना कि मेल मेल आने दो जब मेल आएगा उसके बाद में देखूंगा फिर मैं अपने दोनों मॉक करूंगा नहीं छह तारीख से जब से मॉक शुरू हो जाएंगे एक दिन में हम कम से कम आठ से दस बच्चों का मॉक तो ले ही लेते हैं कोई भी एक दिन का एक स्लॉट आप बुक करके अपना मॉक करा लो ठीक है ऑफलाइन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ तो जैसे आपको वक्त मिलता है आप अपना एक मॉक जरूर करा लीजिए अब एक बात आती है कि सर मान लो दोनों मॉक मेरे हो गए और इंटरव्यू की डेट और आगे है तो क्या आप लोग और मदद करेंगे यस बिल्कुल उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है और कर भी रहे हैं मैं प्राउडली बता रहा हूँ कि कभी कभी हम तीन तीन मॉक्स भी देते हैं बच्चों को वन टू वन काउंसिलिंग सेशन भी देते हैं अरे भाई अगर समय है मान लो डेट आई है 19 अगस्त की और स्वाति का और गणेश का मान लो दोनों मॉक हो चुका है 12 और 13 अगस्त तक दोनों मॉक हो चुके हैं हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं एक और मॉक दे देंगे भाई उसमें कोई बड़ी बा बड़ी बात नहीं है मतलब अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आपको कोई नहीं नहीं बोलेगा ये दो मॉक जो हमने लिखा है ये दो मॉक्स है मतलब दो मॉक देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक और एक्स्ट्रा मॉक रहेगा तो हम मुंह फेर लेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको वो मिलेगा पूरा मिलेगा ठीक है ये कंप्लीटली वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ राइट हा अब सिंपल आ जाते हैं कि इसके साथ साथ पीडीएफ यस पीडीएफ भी आपको इसके साथ साथ मिल जाएगी ठीक है हर एक सेशन की आपको पीडीएफ मिलेगी तो फ्री पीडीएफ ये दे दी जाएगी प्लस इसके साथ आपको यूनियन uh, बजट की मेरी एक बैच है वो भी आपको इसके साथ दी जाएगी यूनियन बजट 2022 सीरीज ये आए प्रथम ऐप पे तीन लेक्चर्स की एक सीरीज है जिसमें मैंने यूनियन बजट 45, 45, 45 मिनट के पैतालीस अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ाया है वो सीरीज आपको इसके साथ अटैच करके पूरी मिल जाएगी ताकि यूनियन बजट से गलती से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर इट प्रॉपरली राइट तो ये आपके लिए जरूरी है तो ये भी आपको इसके साथ दे दिया जाएगा राइट right? अब आ जाते हैं डायरेक्टली यस ये हो गया राइट right. अब इसमें आपको अगर एनरोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान से देख लीजिए देखिए टू एनरोल संकल्प आई और आई प्रथम स्टूडेंट्स के लिए क्या है काइंडली सबमिट योर रिजल्ट विथ योर नेम इमेज ऑफ आईडी कार्ड एंड मोबाइल नंबर ऑन दिस नंबर प्लीज ध्यान से सुनो अगर आप संकल्प के स्टूडेंट हो लाइफटाइम मेंबर हो अगर आप I लर्न के स्टूडेंट हो या फिर आप आय प्रथम के स्टूडेंट हो आय प्रथम के स्टूडेंट मतलब ब्रह्मास्त्र का बैच ले लिया है या फिर सिर्फ एक मैगजीन डाउनलोड कर ली है या सिर्फ आकाश सर का क्वांट बैच लिया है वैसा वाला नहीं यदि आप आय प्रथम के जेनुइन स्टूडेंट हो मतलब संपूर्ण बैच ज्वाइन की है या स्टार बैच ज्वाइन की है या निंजा बैच ज्वाइन की है तो इन दैट केस आप लोगों के लिए ये बैच एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों को कोई शुल्क नहीं देना है ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपना नाम अपना इमेज, आईडी आईडी कार्ड कार्ड वाला फोटो, कार्ड आपका होगा, राइट, संकल्प का आई कार्ड या आई लर्न का आईडी कार्ड या आई प्रथम का तो कोई आईडी कार्ड है नहीं तो उस समय की कोई पेमेंट की रसीद पेमेंट रिसीट उसका फोटो निकाल के अपने मोबाइल नंबर के साथ इस नंबर पे सेंड कर देना है इस नंबर पे सेंड कर देना है फिर से सुनो ध्यान से कल दिन भर यही डाउट हमको फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे अपना नाम ओके आपका इमेज आ, आईडी कार्ड का इमेज फोटो निकाल के मोबाइल नंबर के साथ इस सेंड कर देना हम आपको एक नए व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे

उन लोगों के लिए आपकी बैच जो रहेगी ये ऐसी है देख लीजिए फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा सिंपल है देखिए आप लोगों को आई प्रथम ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर में जाके उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में जाकर लाइव बैचेस के ऑप्शन में जाइए आपको स्पेशल इंटरव्यू बैच फॉर कर्नाटक बैंक अभी एकदम टॉप पे दिख रहा होगा ऑलरेडी बैच हमने लॉन्च कर रखी है तो सबसे टॉप पे लाइव लीजिए पेमेंट ऑप्शन में जाइए उसके बाद पेमेंट करिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आपकी फीस है हजार रुपए प्लस जीएसटी यानी करीबन करीबन ये वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी फोर के आसपास आएगी और फिर जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया आपको भी वही करना है जो संकल्प के और बाकी के स्टूडेंट्स को करना है अपना नाम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका रिजल्ट और जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर भेज दीजिए आपको हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करके आपकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और तीन अगस्त के पहले पहले ये आपको कर लेना है सो आपको समझ में आ गई ये पूरी चीजें संकल्प आय प्रथम और आई लर्न और हाँ ये तीन लोगों के लिए फ्री है और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने फीस बताई वो है ठीक है अब आ जाते हैं कि सपोज अगर आपको यू नो खुद से तैयारी करना है इनकेस इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन एनीथिंग सो इन दैट केस आपको सिंपल इस बात का ध्यान रखना है देखिए अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू ये तीन एरियाज में बटा हुआ होगा एच आर क्वेश्चन जिसमें आता है Introduce yourself. Why you want to join Karnataka Bank? Okay, why do you think Karnataka Bank will be a good option for you? Okay, after your graduation, why you decided to go for banking? What type of options you are looking for in your career? What would you like to become in your life? ओके, व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लर्क इन कर्नाटक बैंक व्हाट डू यू नो अबाउट कर्नाटक बैंक इनकेस इफ वी डू नॉट सेलेक्ट यू फॉर कर्नाटक बैंक व्हाट व्हाट आर योर नेक्स्ट फ्यूचर ऑप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह के तमाम सवाल जो होते हैं वो एच बेस्ड सवाल होते हैं तो उसकी बढ़िया तैयारी करो दूसरा टेक्निकल क्वेश्चंस टेक्निकल का मतलब होता है बैंकिंग के क्वेश्चंस जो काम आपको करना है उससे रिलेटेड तो सवाल वो पूछेगा ही इसी में आपको वो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखने की कोशिश करेगा तो ये वाले क्वेश्चन की पूरी तैयारी करनी चाहिए फिर आपको वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सी आर आर एस एल आर एन डी टी एल एम एस एफ बैंक रेट बेस रेट बेसिस पॉइंट एम सी एल आर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट राइट कर्नाटक बैंक के ऐप का नाम कर्नाटक बैंक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का नाम कर्नाटक बैंक के लोन पोर्टफोलियोज का नाम ये सब चीजें पूछ सकता है एनआर अकाउंट क्या होता है एनआर अकाउंट क्या होता है डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है टेंजिबल एसेट क्या होते हैं नॉन टैंजिबल एसेट क्या होते हैं बैंक प्रॉफिट कहाँ से कमाती है एस का पैसा एग्जैक्टली exactly कौन कौन से एरियाज में जाता है फिर उसके बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं भारत में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं फिर उसके बाद यूके में जो नया प्राइम मिनिस्टर भारत का बन सकता है उसका नाम क्या है आई का हेड क्वार्टर कहाँ है फिर उसके बाद लॉयन कैपिटल जो अभी अभी बना वो क्यों विवाद में था आपके स्टेट में लास्ट टाइम चुनाव कब हुआ था आप जिस स्टेट से आते हैं वहां पर कितने अलग अलग प्रकार के यूनो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं यूनेस्को कल्चरल है ज है राइट फिर कर्नाटक बैंक के सीईओ एम डी का नाम क्या है टोटल ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है इस तरह के बहुत 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 सारे क्वेश्चन तीसरा होता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस अब मैं आप लोगों को एक बात बहुत यू नो you know, दिल से बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है दोस्तों पता नहीं क्यों बट इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना प्लीज मेरी बात मानना इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना अपने के ढंग से पढ़ लेना नहीं तो ये आपको डुबा देगा पूरा का पूरा का right? राइट अगर आप बीकॉम वाले हैं तो कैश फ्लो क्या होता है फंड फ्लो क्या होता है इक्विटी रेशियो क्या होता है टेंजिबल एसेट क्या होता है टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्कोप इकोनॉमी ऑफ स्केल ओके लेजर फोलियो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स क्या ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इंजीनियरिंग में भी क्या है मैकेनिकल है सिविल है उससे रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन आपको वो बिंदास पूछेगा ही पूछेगा इसीलिए अपने अपने ग्रेजुएशन का जो आपका पार्ट है वो सब आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा मैं इंटरव्यू में इसके ऊपर बहुत से सवाल पूछूंगा राइट सो वी आर गोइंग टू हैव अ गुड ड्रिल ऑन दिस राइट सो ये एक ऑप्शन आपके लिए है अवेलेबल राइट right? तो जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें और जो एनी हाउ संकल्प के साथ तैयारी करेंगे वो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें प्रणाली कह रही है बी हाँ मैडम बी में क्या एक्सेप्शन है बी के सारे कंसेप्ट आप याद रखिए उसके बारे में आपको वो पूछ सकता है बी एग्री है या बी एस सॉलिड स्टेट फिजिक्स है बी एस सी है क्या है उसके ऊपर आपको वो कोई ना कोई सवाल पूछेगा उसका नाता क्या बनने वाला है कर्नाटक बैंक से वो पूछेगा राइट ये सब कुछ कुछ बातें आप लोग याद रखिए इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है बच्चों के फीडबैक से लेकर बहुत कुछ है बट फिलहाल जितना जरूरी है उतनी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ठीक है समझ में आ गया यस एक और बात मैं बता देता हूं इस बार हमने तय किया है कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो हम इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे रैंडमली और उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करें ताकि आप आगे अपने इंटरव्यू से सीख पाएं देख पाएं कि आप अपना आप आप बोलते समय कैसे लगते हैं कितने जोकर लगते हैं धृतराष्ट्र की तरह कहाँ आसमान में देखते रहते हैं ऐसा बहुत बार होता है जब याद नहीं आती चीज़ें तो आदमी इधर उधर देखने लग जाता है फिर आप कितने बार नाक खो जाते हैं कितने बार ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग करते हैं कितने बार फिर आपको कुछ याद नहीं आता ये सारी चीज़ें आप चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप अपना इंटरव्यू चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी राइट सो यू कैन गो हेड विद दैट सो दैट यू शैल हैव अ परफेक्ट आइडिया What you have already done in your interview for your better practice okay so ye zarur kar lena dekho zoom meeting id pe पे मैं mock leta हूँ तो उसमें तो option तुम्हारे पास रहता ही है तो wahan पर record का button दबा के आप कर लेना Offline में आओगे मैं आपको allow karunga ठीक है ऑफलाइन में आप आओगे आपके लिए रिकॉर्डिंग का आ, मतलब आप चाहो तो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हो वी विल डू दैट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एचआर बेस क्वेश्चन में आप ये सब क्वेश्चन की तैयारी करके रख लीजिएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ अब आप बोलेंगे तैयारी करके रख लीजिएगा मंजे तुम है सगर तुम्हें का मैं तो सिखाऊंगा ही भाई मैं हूं किस लिए फिर मैं तो ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा पूरे आंसर्स के साथ में कंप्लीटली बताऊंगा ही लेकिन टू अ गुड एक्सटेंट ये जो चीजें हैं अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर What do you know about our bank? Why do you want to join us? Tell us something about your family. Which all exams you are trying these days? What are the best qualities in you? Share an incident where you handled a crisis situation very nicely. How will you manage targets? Can you join somewhere else than your preferred job location? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज तो ये इतने सारे अलग-अलग प्रकार के एचआर बेस्ड क्वेश्चंस आप प्राइमरीली पढ़ के जा सकते हैं दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये आप जरूर याद रखिएगा ठीक है चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या एनी एनीहाउ मैं एबीडी संकल्प पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा वहां से देख लेना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर 25 से 30 सेकंड का बना के रखना उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट अवर बैंक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस ये सब प्रमुख सवाल है फिर हाँ एक और चीज है व्हाट इज द यूज ऑफ योर ग्रेजुएशन वॉट विल बी द यूज ऑफ योर ग्रेजुएशन In this job. आपके graduation का इस में क्या यूज होगा थोड़ी सी पता होनी चाहिए ठीक है फेयरली देख उसके बाद आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन तो टेक्निकल क्वेश्चन में तो जॉब प्रोफाइल यानी क्लर्क की प्रोफाइल में कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती है अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लीजिए इसमें तो मैं इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता सकता हूं कि खत्म ही ना हो रेपो रेट उसके बाद एनडीटीएल कासा रेशियो केवाईसी बैंक रेट एनपीए कैपिटल मार्केट 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 मनी डेट बोलते हैं जिसको म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस सेक्टर ये सब के सब क्वेश्चन अभी पिछले दिनों पूछे गए हैं ऑलरेडी तो ये मैं बड़े सॉर्टेड क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए बट वैसे तो बहुत से सवाल बनते हैं इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं ठीक है बट आमतौर पर ये सब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं most expected question for karnataka bank why do you want to join banking sector why do you wa want to join banking sector uh, banking sector karnataka bank a private bank okay how working of private bank is different from psbs in india what are the services offered by bank clerk to the customers about karnataka bank what is a bank how is it different from nbfc राइट right. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे थोड़े यूनिक लगे जो अलग अलग बैंकों में इससे पहले पूछे गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस क्वेश्चंस को थोड़ा सीरियसली लो सुन रहे हो कि नहीं एक बार जरा हां ना बोल दो पता चला सब सो गए अरे सुन रहे हो हा यू देर रिप्लाई मी एट लीस्ट राइट सो दीज आर द क्वेश्चन जो हां जो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए ओके वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ बैंक फिर बैंक तो ज्वाइन किया तो प्राइवेट बैंक क्यों करना चाहते हो प्राइवेट बैंक और सरकारी कस्टमर के लिए कर्नाटक बैंक के बारे में बताओ एनबीएफसी और बैंक में क्या फर्क होता है ये सब चीजें ऑलरेडी हाँ ये सब चीजें अभी ऑलरेडी पूछी गई हैं पिछले इतने दिनों में ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले तेरह चौदह बैच में मैंने मेरे क्वेश्चंस और एक्चुअल इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बहुत सारे मैच करते हैं बहुत सारे मैच नहीं करते हैं इसलिए बच्चों को हर प्रकार से तैयारी करा के देनी पड़ती है ठीक है अब लास्ट एक बात पे आ जाता हूं मैं राइट right? hmm. पहला जो आप बहुत देर से तिलमिला रहे हैं ओके okay. लैंग्वेज ओनली इंग्लिश सोचना भी मत कुछ और एक तो वो साउथ का बैंक है ऊपर से वो प्राइवेट बैंक है ऊपर से वो मैंगलुरु में बुला के आपका इंटरव्यू ले रहा है तो क्या मराठी में पूछेगा बिल्कुल नहीं हा पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होगा राइट हा दूसरा दूसरा ड्यूरेशन ड्यूरेशन दस मिनट ओके क्लर्क के लिए दस मिनट काफी है तो दस मिनट के आसपास आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है श्रेयस पूछ रहे हैं सर एक बात बताओ सर आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं हाँ हाँ फिर व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेटली वो मैंने बता दिया हाँ, उसके बाद फिर थर्ड ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड के बारे में

राइट right. uh, और क्या इसमें बताना था राइट दीज आर दिंग्स ये कीप अ गुड फोकस गुड फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट यह कर लेना यह पता नहीं मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो ये अच्छे से पढ़ के जाना ये आपको थोड़ा सा वहाँ पर सपोर्टिंग दो-तीन आंसर इसके वजह से से आपके बन जाएंगे अच्छे से. तो ये जरूर कर लेना जो भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपने किया है उसके बढ़िया कंसेप्ट इसका मतलब किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो नहीं पढ़ना ऐसा नहीं वो भी पढ़ना है ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑन जॉब एक्स क्वेश्चन ऑन जॉब एक्सपीरियंस ओके ये अच्छे से करके जाना वो आपको जरूर पूछेगा इसके बारे में और अपने एम्प्लॉयर को यानी एम्प्लॉयर को वहां पर किसी प्रकार से कुछ यानी कोसना मत उसकी कमियां उसकी बुराइयां मत बताना ठीक है सो दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम ओके चलिए अब आप लोगों के एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन ऑन जॉब एक्सपीरियंस हो गया गुड फोकस हो गया ड्रेस कोड के बारे में ड्यूरेशन हो गया लैंग्वेज हो गया यस yes, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रिपेयर अ फैंटास्टिक आंसर ऑफ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इसका जवाब आप बहुत अच्छा वाला बना के जाओ अब आप बोलेंगे काबर हाथ से एक प्रश्न ऐसा क्यों आपने अलग से चुन लिया क्योंकि सर ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है और सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआती नर्वसनेस को बढ़ा भी सकता है खत्म भी कर सकता है अगर आपने उसका जवाब ढंग से दिया तो मानते हो कि नहीं दूसरी बात ये क्वेश्चन ही एकलौता क्वेश्चन है जो हमको पता रहता है कि आने वाला है हंड्रेड परसेंट आने वाला है तो फिर इसकी तैयारी तो करके रखो कम से कम शुरुआत में अच्छे से आपने इसका आंसर दिया तो कम से कम जो से ना, जो एक डेमो दू, दू इसका वुड यू लाइक टू सी डेमो ऑफ दिस बोर तो नहीं हो गए एक डेमो दे दू इसका चाहिए है तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं तो आप इसको कर सकते हो चाहो तो राइट देखो एक ठीक है चलो मैं बता देता हूं लेट अस सपोज के किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा एंड आई एम ऑन द यू नो इंटरव्यू स्टेज ऑफ कर्नाटक बैंक सो लेट अस सपोज दे आस्ट मी यस सो मिस्टर निखिल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हियर आई गो वॉच इट Hello, sir. My name is Nikhil. I am from Raipur. It is the capital city of Chhattisgarh. Uh, I take pride to share that uh, I have a good tendency to meet peoples and meet new peoples across uh, different places. Uh, I can speak three, four different, different languages. I belong to a small nuclear family. My father is retired from Indian Railways. My mom is a homemaker. I've been the youngest member of the family. Uh, I completed my graduation from Nagpur University in mechanical engineering i take pride to share that i was college topper during my final semester uh, then i did my masters from uh, pune in manufacturing and operations management all in all i am having a 5 years of industrial experience and uh, now i am looking for banking job by the way i am a light hearted poet i appreciate all colors of my life gardening traveling and then photography. These are some common areas of interest that I pursue in my free time. Uh, frankly speaking, sir, about today's interview, I'm really very excited because I I believe that Karnataka Bank will be a right platform to start with my career. I have even spoke, uh, meet with some of the people who are working with Karnataka Bank. So they had a great feedback about the bank. So for any type of experienced guy or a fresher one, Karnataka Bank could be a good start to start with the career. So that's all about me. In case if you would like to know more, I am glad to answer, sir. Thank you. Right. अब देखो समझ में आया आपको? अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा का ऐसा वाला ही बोलें. आप इसको कुछ और ढंग से भी बोल सकते हो. ठीक है? दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो जो बातें मैंने बोली वही वाली बातें आप बोलोगे ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है यू कैन स्पीक इन अ डिफरेंट वे बट यार तुम इस बात को समझो कि आपका जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन का आपका बताने का अंदाज जो होता है आप जिस तरीके से अपना आय कांटेक्ट जमाते हो सामने वाले की नजर में नजर डाल के जैसे देखते हो जिस तरीके से आप अपने विचार रखते हो जितने डिग्री में आप अपनी स्माइल रखते हो अपने हाथों का जिस तरीके से उपयोग करते हो अपने आंखों का जिस तरीके से उपयोग करते हो अरे भाई ये सब चीजें इंटरव्यू में नोट हो जाती हैं बहुत सारे ऐसे दीवाने मिलेंगे आपको जो इन सब बातों को बेफिक्री से लेते हैं बिल्कुल बेफिक्री से लेते हैं ऐसा नहीं होता इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी सो ऑब्वियसली यू रियली नीड टू यू नो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट

उनको जब भी कुछ याद नहीं आता वो नीचे देखने लगते हैं इधर उधर क्योंकि वो याद करने की कोशिश करते हैं तो कैसे बोलेंगे माई नेम इज हेलो सर थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एक्सप्रेशन देखना सिर्फ चेहरा देखना आप थैंक यू फॉर गिविंग मी दर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ माई नेम इज निखिल डांगे आई एम फ्रॉम अमरावती बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट Uh, i i am completed my uh, bsc agri from uh, sant gadge baba Na uh, university uh, with 67% and uh, currently i am i'm am, uh, having uh, interest in music my hobby is music painting and there are four members in my family my mother is a housewife and my father is a farmer we are having 5 acres of land uh, चुप हाँ एकदम से चुप हो जाएगा एकदम से चुप ही हो जाएगा अब मेरी उम्मीद रहेगी कि भाई अच्छा तो ठीक है ठीक है कोई बात नहीं जैसा भी बोला ठीक है कोई बात नहीं लेकिन ये अचानक से चुप होना ये इस बात को दर्शाता है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है राइट तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ख्याल रखना जरूरी है अब उसने उस चीज़ का रट्टा मारा था बराबर ठीक है रट्टा मार लिया था वो बराबर बोल रहा था लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं प्रॉब्लम हाव भाव में अरे आदमी है कि रोबोट है मशीन तोड़ना है कि मैं प्ले का बटन दबाऊं और पॉज का बटन दबाऊं तो रुक जाएगा अरे आदमी है भाई थोड़ी तो नज़रें इधर उधर चलाएगा हाथ हिलाएगा कम से कम चेहरे पर स्माइल तो रखेगा आत्मविश्वास जोश एनर्जी या लगाई अर्था है कि नहीं जीवनाथ राइट right, तो ये सब चीजें जो हैं दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली मेक्स अ सेंस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस देखो मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा आपको तुमको कर्नाटक बैंक में नौकरी करनी नहीं करनी ये तुम्हारा अपना निर्णय है लेकिन आज इस ऑपरचुनिटी के लायक तुम हो तिरालीस हजार की नौकरी के लायक तुम हो ये साबित करने के लिए जो गट्स चाहिए है वो गट्स आपको यहां पर पूरी तरह से प्रूफ करने पड़ेंगे मत करो नौकरी मजा तो तब है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओ और उसके बाद आप ठोकर मार दो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा आरबीआई में जाना है ठीक है वो आपकी बात है वो आपकी जिद है सेलेक्ट तो होके दिखाओ बॉस आप पूरी तरह से वहां जाइए सेलेक्ट हो जाइए साउथ में उन लोगों के बीच में जाके वहां से आप जीत के वापस आइए क्यों बता रहा हूँ एक बात प्लीज और अच्छे से समझो कर्नाटक बैंक एक दुखती हुई नस की तरह भी रहा क्योंकि हर बार हमने जितनी उम्मीद की कर्नाटक बैंक में हमारे सिलेक्शन उससे थोड़े से कम ही रहे तो इंटरव्यू जनरली इन लोगों का अच्छा खासा होता है थोड़ा सीरियस होता है बढ़िया रहता है इनका इंटरव्यू ऐसा टाइम पास इंटरव्यू नहीं होता कि जस्ट फैमिली के बारे में पूछ लिया कुछ पूछ लिया और छोड़ दिया राइट आई में हमने जितना सोचा उससे ज्यादा ओके आई बी में जितना सोचा उससे ज्यादा एन में मैंने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट आ गया कर्नाटक बैंक में लगभग लगभग जैसे मान लो 20 सोचेंगे तो फिर 15 सेलेक्ट होंगे 15 सोचे हैं तो 10 ही सेलेक्ट होंगे ऐसा तो ल, बाय, बाय लार्ज क्या है ना इनका इंटरव्यू जो, जो है ये अपने आप में थोड़ा सीरियस इंटरव्यू होता है तो स्वाभाविक है कि एक अच्छी तैयारी इसके लिए कर लेनी चाहिए ठीक है और इसीलिए इस बार हम भी पूरे जोश से तैयार हैं कि पूरी तरह से पूरा एफर्ट लगा देना है ताकि एज मच एज पॉसिबल आप लोगों को इसकी एक बेटर तैयारी हम करवा सके राइट right? सो so इसी के साथ आप लोगों को जाते जाते कुछ लास्ट में जो अभी तक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं ये सब अभी तक के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रहे हैं आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की बैच ये पिछले बार मैंने अगस्त सितंबर में लाई थी 40 से ज्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे राइट right. ये पूरे आईडीबीआई के हैं टीजेएसबी थाने जनता सहकारी बैंक इसमें भी सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये राइट right. इसमें से देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो लिटरली बोलते हैं कि प्लीज हमारा फोटो मत लगाइए मत मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट तो हम फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते बट देन जो लोग हार्दिकता से इस यू uh, नो you know, चीज को अप्रिशिएट करते हैं सो so, इन सब के नाम यहाँ पर हैं IBPS, RRB Officers, RRB PO के रिजल्ट हैं ये पूरे के रिजल्ट्स पूरे पूरे right, राइट तो इसमें भी थर्टी प्लस सेलेक्टेड थे आर असिस्टेंट ये उसके रिजल्ट है एडीसी अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ये भगिनी निवेदिता बैंक में जो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स की बैच रहती है गर्ल्स की बैंक है पुणे की उसके लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स यार ये तो एन आई ए सी एल वॉज रियली फैंटास्टिक एन आई ए सी एल की नौकरी साठ सत्तर हजार की होती है एस बी आई पी ओ से डायरेक्ट कंपेरिजन है इसका और बहुत से बच्चे जो एस बी आई पी ओ में जाते हैं वो भी इसको प्रिफर करते हैं क्योंकि नौकरी भी बहुत आराम की है टोटल ट्वेंटी वन के आसपास इसमें कन्फर्म सेलेक्शन हुए थे इस बार सो इट वॉज फैंटास्टिक इन ऑल आस्पेक्ट्स सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव यू अ गुड जर्नी कर्नाटका बैंक तो आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछना चाहते हैं बिंदास आप इस नंबर पे कॉल करिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं ठीक है अभी तुरंत फोन मत लगाना इतने रात को बट कल से आप सवेरे से बात कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचना कि यार बैच ज्वाइन करूँ नहीं करूँ इट्स ओके अगर आप किसी कारण से नहीं करना चाहते इट्स ओके okay, यार कोई बात नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब आप बैच ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपकी कोई मदद ही नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब बैच अपने आप में एक प्रोसीजर है एक तरीका है लेकिन किसी वजह से अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए है आप बिल्कुल आप पूछिए जितना कुछ चौदह बैचेस का अनुभव हमारे पास है जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप ही के यूज के लिए और क्या सो मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड जाते जाते मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा कि सेलेक्ट हो जाओ बाकी की की चीजों चिंता मत करो ठीक है अब आप लोगों के जरा डाउट्स ले लेता हूं मैं सर यू दैट चेक कर लेता हूं एक बार अगर उसमें कुछ हैं तो उसको सॉल्व कर लेंगे राइट right. फाइनल में रिटर्न एग्जाम में मार्क्स भी कंबाइन करेंगे क्या मेरे uh, हिसाब से और मार्क्स भी कंबाइन होंगे यस देर आर चांसेस बट देन इंटरव्यू विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस हाँ ये याद रखना इस बार हम संकल्प वाले फोड़ के आएंगे सर थैंक यू सो मच अभिलाष में वही चाह रहा था फोड़ के ही आना वहाँ के शीशे दरवाजे और कांच नहीं सलेक्शन फोड़ के आना भाई आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वन एंड हाफ इन टी सी एस इन बी पी एस प्रोसेस सो विल इट बी अपर एज टू मी

तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रेयस आपके पास एक एज तो है कि आप बाकी किसी फ्रेशर स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा अच्छी रखते हैं अभिलाष पूछ रहेगी बी डी संकल्प डालूंगा मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा या कल अर्ली मॉर्निंग डाल दूंगा आई हाँ, मैंने ले लिया उसके बाद फिर सर फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे होगा या रिटर्न प्लस इंटरव्यू देखो मुझे लगता है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके जो मार्क्स रहेंगे वो प्लस इंटरव्यू इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस तो आप उसको जरा एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा राइट फिर उसके बाद ये वो फीस वाला जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ वो मैं ठीक करता हूँ इज देयर प्रेफरेंस टू कर्नाटका स्टूडेंट असक का ही नहीं अरे यार एक एक बात बताओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी वैकेंसी निकालेगी तो फिर क्या कर्नाटक के बच्चे यही सोचेंगे कि अरे यार, यार ये तो महाराष्ट्र लिखा हुआ है यहाँ तो सब मराठी लोगों को ही प्रेफरेंस रहेगा और कई अला दूसरा वो पंजाब नेशनल बैंक तो सब फिर सरदार लोगों को सब पंजाबियों को ही भर लेगी वो ऐसा नहीं है यार कैसी बातें कर रहे हो बाविस राज्यों में चल रही है वो बैंक बाविस राज्यों में बताया ना मैंने ट्वेंटी स्टेट्स तो ट्वेंटी स्टेट्स में सब जगह क्या कन्नड़ लोग भरे हुए हैं क्या तसा नहीं आना तो ऑब्वियसली इट विल मैटर टू देम आप लोगों को इधर के किसी ब्रांच के लिए लिया जा रहा है तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड मूव फॉर यू सो डेफिनेटली वो उस तरीके से विचार नहीं करेंगे ठीक है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस उम्मीद करता कि आज के इस सेशन में जितना हो सके उतनी इनपुट्स में दे पाया आप सीधा परसों मिलेंगे रात को नौ बजे और अपने पहले सेशन के साथ चीजों की शुरुआत करेंगे सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन और अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक ये पहुंचा देना सेशन क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी इसीलिए हो सकता है बहुत से लोग नहीं भी आए होंगे देखा ही नहीं होगा तो उन सब तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए कमेंट्स थ्रेड में आप अपने बाकी के डाउट्स भी लिख सकते हैं उन सबको भी मैं एड्रेस कर दूंगा सेशन पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आ, आपका टाइम अब अच्छा हो एंड टेक अ गुड स्लीप एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी टुमारो टिल देन टेक केयर जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र